Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness, guys. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ठीक है कौन आने वाले हैं और क्या आने वाला है. सब बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा. इस विषय में पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए लास्ट तक रीडिंग को देखें. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. फॉर डेली रील्स प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sudarshana1369. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. सो विश यू द बेस्ट ऑफ लक ऑलवेज इन योर लाइफ. सो यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज बताइए. यूनिवर्स थैंक यू. यूनिवर्स थैंक यू. स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स कि मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में क्या आने वाला है और कौन आने वाले हैं. हम लास्ट में क्यूब्स देखेंगे, ओरेकल्स देखेंगे, चैनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, तब जाके आपके पास स्पष्टता से इंफॉर्मेशन जरूर आएगा. सो नंबर वन कार्ड इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. फाइव ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेथ कार्ड. We do have the six of wands. Six of pentacles के नीचे ही है six of wands. Okay, we do have the high priestess. We do have the queen of cups. Queen of pentacles के नीचे है queen of cups. Okay. And we do have the ace of pentacles. Fantastic. Okay. Bottom of the deck we do have again six. Okay. So six of swords. द 6666 24th 15th डेट. ओके 33. ओके इस तरह के नंबर्स. सिक्स किसी का हाउस नंबर ज़रूर होगा कुछ लोगों के लिए, या सिक्स आपका दिस वन जिस तरह से होता है ना कि यस फॉर एग्जांपल जैसे सिक्स नंबर स्ट्रीट या सिक्स नंबर कॉलोनी उस तरह. ओके सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है. हाई प्रीस्टेस दैट इज मीन राशि यहाँ पे है. यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह का धनु राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है. वी डू हैव द डेथ कार्ड द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके एरीज एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है. मोरलेस ऑल द साइंस ऑफ द एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है. नक्षत्र में से हो सकता है. कृतिका नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. पुष्य नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. अश्लेषा नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. मघ नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूला नक्षत्र इज इंपॉर्टेंट. ओके वी डू हैव दिस धनिष्ठा नक्षत्र इज इंपॉर्टेंट नक्षत्र. यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि बहुत सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन से ही लेके अभी तक आपका समस्या का मेन कारण इस तरह से है कि आपने जैसे ना बचपन से ही इनजस्टिस होते हुए दिखा है. ठीक है इक्वालिटी जैसे समानता लोगों के साथ लोगों का बिहेवियर आपके प्रति या आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बचपन में नहीं मिला था. ओके ड्यू टू सर्टेन थिंग्स ठीक है आपको बिल्कुल नहीं मिला था एंड उसके लिए जैसे आपको जैसे ना अपने हक के लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा था और जो आपका हक था किसी ने ले लेने की कोशिश किया है और भले ही आप किसी को दिखाते नहीं है बिकॉज यू आर सो मच इंट्रोवर्ट एंड वेरी मच क्वाइट इन नेचर. आप बहुत ज़्यादा शांत भी रहते हैं. गुस्सा आपको आता है लेकिन जब आता है बहुत ज़्यादा आता है बट मैक्सिमम टाइम इट इज़ सीन दैट यू आर वेरी मच यू कैन से वेरी मच पेशेंट. आपके अंदर वो धैर्य है आपके अंदर वो धीरज है. आपने लोगों को बहुत अच्छा से समझा है लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी किया है लोगों का आदर सत्कार किया है. ठीक है आपको उनको आपके जो मज़हब है उनके हिसाब से आपने उनका रिस्पेक्ट किया है. ठीक है जिस तरह से प्रणाम करना हो ठीक है गुरु जी का आशीर्वाद लेना हो आपने हर चीज़ किया है ज़िंदगी में लेकिन हमेशा ही क्वालिटी का इश्यूज़ रहा है. ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी में भी जब जॉब लिया तब आपने देखा कि फेवरेट लोगों को या बंदे को उनको प्रमोशंस मिल रहा है या नेपोटिज्म का शिकार हुए हो आप अनसक्सेसफुल इसीलिए आपने आप हुए हो बिकॉज ऑफ समवन्स कॉन्स्पिरेसी.
बट आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट यू आर नॉट गोइंग टू फेस द सेम सिचुएशन 100% आपकी ज़िंदगी में नहीं रह सकता और वो नहीं भी रहेगा. सो आई डू फाइंड कि ट्रायम्फ जीत हासिल होते हुए ऑफकोर्स आपकी नॉलेज के आगे लोगों का जो इनिशिएटिव है वो फेलियर हो जाएगा. बिल्कुल जिस तरह से लोग आपकी इमोशंस की नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, आई डू फाइंड लाइक दैट. और आप भी धीरे धीरे इतना स्ट्रांग बन रहे हैं कि आपके लिए भी अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट होगा ही नहीं. पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे, ऐसा आप विश्वास करने के लिए राज़ी ही नहीं थे कि आपके रिलेटिव्स या आपकी फ्रेंड्स या आपकी कलीग्स में से कुछ लोग ऐसे ही हैं जो काफ़ी जेलस है. आप शायद विश्वास इस तरह से करते थे, नहीं कोई ऐसा नहीं हो सकता, सब लोग आप ही के जैसे हैं, ठीक है. बट धीरे धीरे वो विश्वास भी धीरे धीरे उनके ऊपर उठ जाएगा एंड यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ ओनली. कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आपकी हायर स्टडीज़, ठीक है, उसके लिए आपकी स्कोर्स इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऑटोमेटिक चांस मिल जाना, ठीक है, जिस पोजीशन के लिए जहाँ पे पैसा आपके पास आएगा. मतलब जैसे होता है ना कि इंसेंटिव्स आते हैं, ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप की पैसा जो है वो आता जाता है, पर मंथ आपको मिलते जाएगा, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. जैसे इंटर्नशिप लोगों को मिलता है एंड आई डू फाइंड कि यू आर बिल्डिंग अ ह्यूज एम्पायर, आप अपने साम्राज्य के मालिक हैं, ठीक है, एंड यू आर गेनिंग लॉट ऑफ मनी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा होगा. यू विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, हो सकता है आने वाले समय में अपने सोच के ही रखा है नहीं मुझे जॉब नहीं करना है तो मुझे बिजनेस में जाना है, और मुझे बिजनेस अपने शहर में नहीं दूसरे शहर में चाहिए या दूसरे स्टेट में चाहिए, या आप अपने शहर में हो सकते हैं बट आई डू फील लाइक दैट कुछ लोग बाहर जाके सेटल करोगे. और जब आप सेटल करोगे, जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे वीज़ाज होते हैं, देर आर सर्टन वीज़ाज, वर्क वीज़ाज, कुछ वीज़ाज होते हैं बिजनेस वीज़ाज. तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आप में भी एज अ स्टूडेंट यू विल ट्रैवल विथ योर हस्बैंड विथ योर वाइफ, और धीरे धीरे आप वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हो. और मुझे दिख रहा है मे बी वो जो भी कंट्री होगा, ठीक है, आपको अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा बिकॉज यू विल हैव ऑल द क्वालिटीज. अभी के समय पे सेटल होना फॉरेन कंट्री में थोड़ा सा टफ हो गया है पहले से, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपकी क्वालिटीज़ इतना ज़्यादा है कि वो ऑटोमेटिकली स्कोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा वीज़ा का फॉर्म में, ठीक है. एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ जैसे होता है ना कि डिस्ट्रैक्शन के बाद ही कंस्ट्रक्शन होता है, जब तूफान ही नहीं आएगा, ठीक है, और बिजली नहीं गिरेगा और कहीं ना कहीं पे बारिश नहीं होगा, तब तक गर्मी का एहसास हमेशा ही होता रहेगा. सो उस तरह से आपको लग सकता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी है ना जो है वो तबाह हो चुका है, कुछ लोगों के कारण ऐसा हुआ होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डाउन होता गया, बट यू विल फाइंड अ न्यू रे ऑफ होप, आपको एक नई आशा का किरण ज़रूर दिखाई देगा. अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, अगर आप मेल है तो आप मान के चले आपके पर्सन जो है, ठीक है, अगर आप मेल है, अगर आप पुरुष है, राइट, तो आपके पर्सन, सॉरी फॉर द सॉन्ग, आपके पर्सन जो है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दे विल बी वेरी मच स्ट्रांग फाइनेंशियली एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझेंगे एंड आई डू फाइंड यू विल बी ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स. जिस तरह से एक दूसरे को समझना होता है, जिस तरह से एक दूसरे को मान के चलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, आई डू फाइंड लाइक दैट इट विल बी डन इन दैट वे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि कोई आपकी जीत से बिल्कुल खुश नहीं है और वो लगातार कोशिश करेगा कि आपको किस तरह से, ठीक है, मतलब आपको किस तरह से आई टू फाइंड लाइक अपोज किया जाए या आपकी ओर से सपोर्टर्स को लेके, ठीक है, आपके खिलाफ किया जाए, इस तरह से मुझे दिख रहा है. बट वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ योर हायर इंट्यूशन साइकिक नॉलेज एंड आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर वेरी स्वीट एंड केयरिंग नेचर जो मुझे दिख रहा है बार बार यहाँ पे, आई डू फाइंड लाइक दैट. सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड ओके कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बुक वॉर्म्स है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते रहते हैं आप और काफ़ी ज़्यादा आपकी जो ऊर्जा है वो
हर दिन आप कोई एपिसोड देखते रहते हैं रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो, या आप कुछ देखते रहते रिगार्डिंग साइंस फिक्शन लिटरेचर, ओके एंशंट स्टडीज़ हिस्ट्री, ओके सो कुछ कंट्रीज़ के बारे में जानना, उनकी कल्चर के बारे में जानना, एथनिक स्टाइल के बारे में जानना, क्या वो पहनते थे, अभी क्या पहनते हैं, क्या पहले ज़माने में था, उस तरह का नॉलेज आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और इन फ्यूचर आप उसको लेके बहुत कुछ करने वाले हैं। आई डू फाइंड योर पार्टनर हुएवर इट इज़ दे विल बी रियली अ विनर, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ आई डू फाइंड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस सेक्टर, दे कैन इन द फील्ड ऑफ यस दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, दे कैन बी अ सर्जन, ओके एंड दे कैन बी द डॉक्टर फॉर पोस्टमार्टम सर्जरीज, ओके एंड दे कैन बी एन एम्पैथ ऑल्सो, दे कैन बी अ हीलर ऑल्सो, दे कैन बी अ मे बी वो लोग इंजीनियरिंग लेके पढ़े हैं लेकिन बाद में आप देखोगे कि स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो अपने ही यस कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है इस तरह के बिजनेस में है जहाँ पे ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स के हमेशा ही लॉन्च होते रहता है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। और आपके पर्सन वीडियो मे बी वीडियो क्रिएटर, ओके दे मे बी टीम को लीड करने वाले, दे मे ऑपरेट अ टीम, ओके सो 8 इज द रेड गार्डन, ओके बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पैशनेट रिलेशनशिप आपके और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। द जर्नी जर्नी जो है जनरली फुल कार्ड 0 होता है, बट यहाँ पे जो जर्नी है वो इस तरह से है कि एक फ्रेंडशिप, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जो हमेशा ही आपके साथ रहेगा। अगेन अ पोलका ड्रेस, कौन यहाँ पे पोलका ड्रेस पहन के बैठे हैं, कौन यहाँ पे वीडियो देखने से पहले नहाने जाने की कोशिश कर रहे थे और शायद वीडियो देखने के बाद आप नहाने जाएं ज़रूर बताना। माई होम इज़ माई कैसल, आप इस तरह से खूबसूरती से अपने ज़िंदगी को लीड करने वाले हो, चाहे जितने भी लोग आपके सामने आके दिखावा करे, नौटंकी करे, शो ऑफ करे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर कम है तो आप उसमें ही सेटिस्फाइड रहेंगे, एंड दिस इज़ कॉल्ड द ग्रेटिट्यूड, कि मेरे पास जो है वो भगवान का दान है, वो अल्लाह का दान है, वो गॉड का एक ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। सो इस तरह से आप करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपके पीछे देखो क्या है, आपके फ्यूचर क्या है। यहाँ पे आपके फ्यूचर इस तरह से है कि यू आर बिल्डिंग योर ओन एम्पायर, मैंने अभी बताया था, आप अपने साम्राज्य के खुद के मालिक बनेंगे। जब आप सोचेंगे कि मेरा छोटा घर ही सही, दैट इज़ एनफ फॉर मी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, जब आप ग्रेटफुल होंगे ना, जब आप काउंट करते हो अपनी ब्लेसिंग्स को, सो ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस। मेरे पास आज ये है, मेरे पास मम्मी पापा है, मेरे पास भाई बहन है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास जो भी सामान है मैं खरीद पा रही हूँ, जो भी ब्लेसिंग्स आप काउंट करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन पे काउंट कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द ब्लेसिंग्स आई हैव, ओके इस तरह से आप लिखिए, तब देखिएगा आपकी डबल सक्सेस, ठीक है, होगा ही होगा। सो आई कैन कनेक्ट विद द एनर्जी 28, कैन यू हियर मी, अच्छा 111 222, इस तरह से आप देख सकते हो, मैक्सिमम हो सकता है कि 6 दिन में ही ये चीज़ आपके साथ हो। कैन यू हियर मी, ओके आई डिफाइन, यहाँ पे देखो शंख है, सो शंख बहुत ज़्यादा शुभ कार्य माना जाता है, भले ही आप अकेले हैं, मे बी यू आर सिंगल मदर या सिंगल सेपरेटेड डिवोर्स वट एवर, आपकी स्टेटस इस तरह से है कि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, आप कैसे संभालोगे, आप किसी को भी बुलाओ किसी को, कैन यू हेयर मी, सो प्लीज़ कॉल इफ़ यू नीड, प्लीज़ कॉल गॉड एंजल्स, प्लीज़ कॉल देम, देखो वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं, मेरा विश्वास है वो ज़रूर करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे, सो वट इज़ कमिंग फॉर यू, वो इज़ कमिंग फॉर यू, ब्रूटल लाइव्स, आपने शायद कुछ हिस्टोरिकल स्टडीज़ किया होगा जहाँ पे आपने देखा है कि लोगों की जीवन बदतर से बदतर था और आज उनकी जीवन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है,
इसको देख के आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकता है कि आपकी जीवन उस तरह से ही रहा है। ओके, मच एज डिफरेंस, आपके पार्टनर के साथ एज डिफरेंस हो सकता है। अभी लोग मुझे 10 बातें सुनाएंगे ज़रूर, ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको बोल रही हूँ। हाई सोशल स्टैंडर्ड्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं इन द फ्यूचर। ओके, अच्छे प्रोफाइल के लोगों से आपकी उठना बैठना होगा। यू विल हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, हो सकता है कि आपकी हेल्थ अच्छा नहीं जा रहा था, बट इन फ्यूचर ऐसा है कि आप कुछ ऐसे खाना खाओगे विद अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द डाइट ऑफ फूड, यू विल हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। एक्सप्लोरिंग नेचर, नेचर को हमेशा, प्रकृति को जिसने ढूंढ लिया ना, उसने अपने जीवन का सफलता वहीं पर मतलब पूरी तरह से ले लिया। चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना, सेटलमेंट। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है बार बार रीडिंग में ना, वीजास के लिए शायद ट्राई करते रहते हो आप लोग काफ़ी ज़्यादा। ओके, रॉकिंग द शेयर मार्केट, मैंने आपको बताया था पैसे की कोई कमी नहीं होगा आपके पर्सन में भी, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी फॉर द फाइनल ओरेकल। ठीक है, ले लेते हैं। ओके, होलोकॉस्ट 16, दिस इज द टावर नंबर। जब कुछ बिगड़ेगा तभी जाके कुछ अच्छा बनेगा। आपकी चेतना तब होगा जब आपको पता चलेगा कि आपकी जमीन के नीचे बहुत कुछ चीज खजाना है, और तब आप इस घर को, ठीक है ये जल गया तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर ही लूंगा या लूंगी। ये आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके पिछले जो जीवन है, मतलब कि जो इस जन्म में जो पास्ट वाला सिचुएशन है वो इस तरह से हो सकता है, बट योर फ्यूचर विल बी लाइक दिस, यू नो, कि जितना भी रेत आ जाए, जितना भी यहाँ पे गार्बेज हो, पोल्यूशन हो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीनरी ज़रूर है, मतलब सफलता आपके लिए ज़रूर है। सफलता तभी आता है जब आप कोई ऐसी जगह पे या माहौल पे रहते हो जहाँ पे चांसेस बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को मैंने आईएएस क्लियर करते हुए देखा है, अगर आप इस इंडिया में हैं, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्वालिफाई होते हुए देखा है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर ही था, ओल्ड न्यूज़पेपर। पता है वो क्या करते थे, वो घर में जाके जितना भी पुराना न्यूज़पेपर है, ठीक है, लोगों से मांग के लेते थे, और बाकी वो दुकान में जाते थे, और वो बहुत पहले का, मतलब सपोज 2020 में उसने एग्ज़ाम दिया तो 1992 का, 1980 का, उस तरह के न्यूज़पेपर्स लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास जनरल नॉलेज का बुक्स नहीं था, उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसके पास टीवी नहीं है, उसके पास एक ही रूम है, उसके घर में कोई नहीं है, ठीक है, खाना खाने कहाँ जाता था उसको खुद पता नहीं, एक वक्त की रोटी है, दूसरे वक्त की रोटी भी नहीं है। वो बंदा आईएएस एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, मतलब क्या है, तो उसकी कंडीशन इससे भी बदतर था, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोसाइटी और कुछ नहीं, जहाँ पे रहते थे झोपड़पट्टी था वहाँ पे, क्या आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है, क्या वहाँ पे बहुत बड़े फैसिलिटीज़ थे, नहीं। तो वहीं से लोग शाइन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे जब सिचुएशन इतना टफ हो जाता है ना, तो हमें लगता है हमारे जीवन जो है वो तबाह हो गया, आपको लगता होगा, पर इसके बाद जो चीज़ है आप सिर्फ देखोगे, कटिंग थ्रू, यस डेफिनेटली, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी कुछ रिश्तों को कट ऑफ करना ही पड़ेगा। ओके, सो देयर आई एम एंडिंग द रीडिंग, सो दिस इज ऑल दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बड़े स्ट्रगलर है, बहुत बड़े, और बहुत अच्छे आप अपने आप को एस्टैब्लिश किए हैं। योर पर्सन कैन बी वेरी पॉपुलर ऑल्सो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उन्होंने अपने ही तजुर्बे से बहुत कुछ हासिल किया है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।